कर रहे हैं मैं एन पार्टिकल, और हम आज बनाएंगे एनिमेशन चीज़ बॉल का, कि एक बॉक्स खुला और उस बॉक्स में से चीज़ बॉल एक प्लेट पे गिर रही है। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें डाल दो एक्सट्रूड फॉर थिकनेस। हिस्ट्री क्लीन कर दिया करो। इसके लिए एक बेसिक एनिमेशन बनाओ जो 30 फ्रेम तक स्टैटिक हो, मीन्स 30 फ्रेम पे एस प्रेस करो S4 सेट की, तो देखोगे 0 से 30 फ्रेम तक ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, उसके बाद आप जैसे मर्जी इसको हिला सकते हो। उसमें से चीज बॉल नीचे गिरेंगी। तो इस बॉक्स में मुझे सबसे पहले चीज बॉल भरनी है। कैसे भरेंगे? एन पार्टिकल में जाओ, क्रिएट ऑप्शन में जाओ, बॉल्स ऑन कर देना, ऑलरेडी है। अगर ना हो क्रिएट ऑप्शन में बॉल्स क्लिक कर देना, ऑन हो जाएगी। उसके बाद मुझे बॉक्स के अंदर पार्टिकल भरने हैं, तो उसके लिए आता है फिल ऑब्जेक्ट। अभी मैं फिल ऑब्जेक्ट कर रहा हूं तो पार्टिकल फिल हो रहे पर दिख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हमारी जो वॉल है वो थिकनेस वाली डबल वॉल्ड है, तो ये ऑन कर देना। देखो एन पार्टिकल फिल हो गए पर कम है, और पूरे बॉक्स में हमें 75% बॉक्स में भरना है। तो यहाँ से एक्सिस डिपेंडेंट है, वाई एक्सिस में मुझे 75% बनना है, तो यहाँ 75 कर देना, 0.75, और रिजोल्यूशन बढ़ा देना ज़्यादा अगर आपको पार्टिकल चाहिए। अप्लाई, देख रहा पार्टिकल आ गए। अब प्ले करेंगे तो पार्टिकल तो नीचे गिर रहे हैं, उसके लिए क्या करना, इसको और इसको दोनों को बना देना क्रिएट पैसिव कोलाइडर। मुझे थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। पार्टिकल का साइज बड़ा करने के लिए आप उसके प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। ये रहा पार्टिकल साइज, इतना ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। पर ये पहले से ही बहुत बड़ा साइज होने के कारण डब्बे में ज्यादा हो गया, तो साइज थोड़ा सा छोटा करो और ग्रेविटी को थोड़ा सा बढ़ा दो। कैसे? न्यूक्लियस वन में जाना, यहाँ पे न्यूक्लियस वन है, सबसे नीचे आता है स्केल एट्रीब्यूट्स, स्पेस स्केल। मुझे अपने यूनिट्स को थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है, तो इसको घटा देना। थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा पार्टिकल का। अब देखो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये ऊपर था, ऊपर से नीचे आ रहा है,
मैं चाहता हूं ये इसकी इनिशियल वैल्यू बन जाए। तो उठने से पहले इन पार्टिकल्स को इनकी इनिशियल वैल्यू बना देना। कैसे? अब देखो, जैसे आपकी चीज बॉल तो गिर रही है, पर आपको इस चीज बॉल का कलर चेंज करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चीज बॉल के अंदर आता है शेडिंग। ओपेसिटी अगर आपको कम करनी है तो यहां से कम कर सकते हो। कलर यहां पे डिपेंड है, स्मूथ करना है, लीनियर करना है, स्प्लाइन, मतलब आप अपनी शेप बना सकते हो, शेप के अकॉर्डिंग रख सकते हो। रैंडमाइज करना है या एज के अकॉर्डिंग करना है। एज मतलब शुरुआत से रेड, फिर धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें कंस्टेंट भी रख सकते हो, मतलब एक ही कलर पर रैंडमाइज कर देना। और जैसे अभी रेड और इसके कलर अलग अलग आ रहे हैं, तो आप ग्रीन भी चाहते हो तो बीच में एक फ्लैग ऐड कर देना ग्रीन कलर का, तो ग्रीन भी आएंगे, सब मिक्स होके आएंगे। समझ आया? तो आज इतना करो, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। आज बेसिक किया हमने पार्टिकल्स का।